हेलो दोस्तों, पीटे चेस वर्ड्स में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंटीमीटर से मीटर में और किलोग्राम से मिलीग्राम में, फुट से इंच में और दोरा से आनी में, आनी क्या होता है, दोरा क्या होता है, कैसे एक इंच के बीच का जो माप है वो कितना होता है, उसको मिलीमीटर में और इंच में दोनों में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। और इस वीडियो में लंबाई और वजन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ, और लेंथ के बारे में पहले से मैं वीडियो एक दो बना रखा हूँ जो मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं, पर वो ऐप्स के माध्यम से है। जो ऐप्स में जितना वैल्यू ऐड करेंगे उसका मिलीमीटर से सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में उसमें कन्वर्ट होकर सीधा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से है, पर उसमें इस तरह से मैं बताया ना हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, एक मीटर में कितना फुट होता है, कितना इंच होता है और कितना क्या होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंटीमीटर से। एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, यानी एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अभी बात करते हैं वजन का। वजन में एक ग्राम मिलीग्राम होता है, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, एक क्विंटल में 100 केजी यानी 100 केजी होता है। फिर बात करते हैं फुट से इंच में कन्वर्ट करने का। एक फुट में 12 इंच होता है, एक बार में 36 इंच होता है, एक बार में 3 फुट होता है, एक माइल में 1760 बार होता है। एक दोरा लिखते कैसे हैं, एक दोरा यानी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। एक दोरा एक इंच से बीच का साइज होता है, जैसे एक दोरा, दो दोरा, तीन दोरा, चार दोरा, पांच दोरा, इस तरह से बोलते हैं। तो आपको एक इंच में 8 दोरा होता है, यानी 8 धागा भी बोल सकते हैं। तो एक दोरा लिखते कैसे हैं, और गुजरात में ज़्यादातर इसको इस तरह से जो साइज आता है उसको आनी बोलते हैं। आनी मतलब ज़्यादातर गुजरात में चलता है, और तो कहीं ज़्यादा नहीं चलता है, एक आनी, दो आनी, तीन आनी, चार आनी। तो इस तरह से हम लोग इसको धागा बोलते हैं, सीधा डायरेक्ट धागा बोलते हैं कि एक धागा, दो धागा, तीन धागा, और उसी चीज़ को वो लोग आनी या धागा वो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आनी बताता हूँ कि आनी कैसे होता है। जैसे सबसे पहले एक चोच फर्स्ट में एक कानी कितने को बोलते हैं, तो एक कानी लिखते कैसे हैं, तो उसमें एक कानी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 1/16 इंच, उसको एक आनी बोलते हैं। फिलर भी बोलते हैं, एक फिलर में क्या होता है, तो फिलर कुछ इस प्रकार से होता है, एक फिलर में कितना, कम से कम एक फिलर में कितना का माप कर सकते हैं, यानी 0.001 यानी एक फिलर होता है। ब्रिटिश टन जो बताया था मैं आपको कि 1740 होता है, 2240 पाउंड होता है ब्रिटिश टन, यानी एक ब्रिटिश टन 2240 होता है। अभी सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक सेंटीमीटर में कितना इंच होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच होता है, 1 मीटर बराबर 1.09 बार होता है, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है, 1 किलोमीटर बराबर 0.621 माइल होता है, 8 किलोमीटर बराबर 5 माइल होता है, 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है, 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड होता है। इसके बाद इंच से सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक इंच में 25.4 मिलीमीटर, 1 इंच में 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर होता है, यानी 25.4 मिलीमीटर होता है एक इंच में। बार में 91.44 सेंटीमीटर होता है, एक बार में 0.9144 मीटर होता है। अभी हम फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, 1 माइल बराबर 1.609 किलोमीटर, 1 पाउंड बराबर 0.454 किलोग्राम, 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम्स। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और मेरे को आशा होगा कि आप मैट्रिक से ब्रिटिश और ब्रिटिश से मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करना समझ गए होंगे। लंबाई और वजन दोनों को मैट्रिक से ब्रिटिश में और ब्रिटिश से मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करना मैं आपको सीखा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।